ओए नाम क्या था? नाम नाम पुशी। ओए पुशी, वो छोटा है तो भी है। अच्छा गले में लग रही होगी, गले में लग रही है इसके। ये किसने बनाया इसे? गले में लग रही होगी इसके। मेरे पास भी है डॉग, काफी बड़ा वाला। देखा है मेरा वाला? हाँ, तुम्हारा तो काट लेता है। अरे नहीं, हाँ वो काटने को भागता है। देखा तूने? हाँ काला था। अच्छा काला था वो? काला था, सुबह सुबह। अच्छा अच्छा, पिटबुल है वो? पिटबुल कह रही है। दो हैं, दो एक ही है। एक उनका है, उनका तो छोटा था। थक गया ये खोल दो, गले में लग जाएगी इसके। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है माफिया के यूट्यूब चैनल पर। गाइस जैसे कि मेरी आवाज़ काफ़ी आपको बल्दी बल्दी नज़र आ रही है, क्योंकि यार मेरे गला बैठ चुका है और जुकाम सर्दी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो प्लीज़ अपना भी ध्यान रखना। और जैसे कि आप जानते होंगे, कोई ना कोई आपके डॉग का ऐसा एरिया होता होगा जहाँ पर जाकर वो रिलैक्स फील करता हो, जैसे कि माफिया का ये एरिया है। पता नहीं सर क्या देता, काफ़ी एक ही दो घंटे यहाँ पर बैठ रहता है, अपने को काफ़ी रिलैक्स फील करता है यहाँ पर आकर बैठकर। तो इस टाइम आप कुछ काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कि आपको बताता हूँ कि हमारे ऊपर का जो बोर्ड है, एक बल्ब का जो लगता है होल्डर, वो ख़राब हो गया है। तो हम न्यू वाला नया लगा रहे हैं, नया होल्डर लगा रहे हैं। तो जब तक ये ऊपर रहेगा, जब तक कि हम कहाँ यहाँ पर हमारा काम चलता रहेगा, और ये नीचे जब ही जाएगा जब हम जाएंगे भाई, इसका पक्का एकदम ये। और जैसे कि देखो माफिया काफ़ी परेशान कर रहा है मुझे को, देखो यहाँ पर चक्कर काटे जा रहा है, और मुझे डर लग रहा है कि माफिया गिराने दे पापा जी को ऊपर से। लो पकड़ो, लो। हाँ ये देखो माफिया नीचे, देखो ये रहा। मुझे डर लग रहा है कि जीना न गिरा दिए, भगता भगता ऐसे टक्कर हो जाए इसकी। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है मुझे इस चीज़ का। और थोड़ा सा काम रह गया खाली, बस काफ़ी थोड़ा सा काम रह गया है, और 15 मिनट का और। तो इसे खत्म कर, सीधा मैं कंप्यूटर पर आऊँ। कंप्यूटर मुझे वैसे कुछ ज़रूरी काम है, वो भी मुझे आज पूरे करना है। और जैसे कि आपने शुरू में देखा, कुछ बच्चे एक पप्पी को लेकर घुमा रहे थे। देखो यार वो घुमाना सही है, परंतु जो उसके गले में बांध रखा था वो थोड़ा सा मुझे गलत लगा यार, क्योंकि वो उसके शायद पेन हो रहा था उस चीज़ से, तो मैंने उससे बाद में हटवा दिया था उसके गले से। वो देख तेरे खाने की चीज़ नहीं है यार, ये पेचकस है यार, दिक्कत हो जाएगी बाद में। यहाँ पे खाने की चीज़ नहीं है भाई, आपके खाने की नहीं है ये। अब देखो कुछ देख, कुछ दिख गया से, देखो कबूतर दिख गया। मतलब कबूतर वहाँ बैठा हो या हमारे छत पर बैठा हो, इसे बिल्कुल पसंद नहीं है कबूतर गले, छोटे आने में बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं है। पता नहीं क्या है इसका नेचर है चीज़ का। और देखो यहाँ आ जा माफिया, यहाँ पर आओ, इसके ऊपर आओ। हाँ आ जाओ, देखो मेरा कहना कभी नहीं मानता, और अपनी मर्जी होती ना तो बंदा आधे आधे घंटे यहाँ पे लटका रहता है ग्रिल पर। और देखो मैं बुला रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आ रहा, बड़ा मतलब ही है भाई, बहुत ज़्यादा ही। और जैसे ये भी आपको पता होगी एक चीज़ यार, मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल रहा, उसका कारण है कुछ यार मेरे को अदर वर्क में बिजी हूँ, और जैसे कि कुछ अलग या प्राइवेट वर्क भी होते हैं, जैसे ऑफिस का काम हो गया, काफ़ी सारे वर्क होते हैं जहाँ से, और जिनमें मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, काफ़ी मुश्किल से टाइम निकल पा रहा है। और मैं अब आगे से पूरी कोशिश करूँगा, देखो अब आ गया, जब मैं बोला जब तो आया नहीं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आप पूरी कोशिश करूँगा इसकी, मतलब जल्द से जल्द वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब वर्क काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, काम काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है पहले से। और यार मुझे मेरी आवाज़ काफ़ी बल्दी भी नज़र आ रही है, तो आपको भी थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा। वही देखो ऊपर से देखो यार, ये पता नहीं क्या स्मेल कर रहा है यहाँ पर। ये आ जा माफिया, ये देखो ये पूरी, जैसे ही वहाँ पे इसने कबूतर देख लिया तो ये अपनी छत पे पूरी तरह से बिल्कुल वेरीफाई करेगा, कंफर्म करेगा कि यहाँ पे तो कोई है तो नहीं आसपास। इस तरीके से देखो, वो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ इसे। दो बार मैंने कहा मैं नीचे चले, नीचे बिल्कुल नहीं आ रहा। इसे पता ना पापा जी इसके सपोर्ट में, मैं इसे चिल्लाऊंगा ना तो वो उल्टा मेरे को चिल्लाते हैं, इसे इसके ऊपर चलाता हूँ जब मैं, तो इसे पता है वो सपोर्ट है, इसलिए मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानना है। देखो ये जैसे मैं भी कुछ कहने वाला था ना, इसे इसे पथल गई और तुरंत देखो भागा भागा उनके पास आ गया। मुझे पता है भाई इसके जो मम्मी पापा दोनों ही सपोर्ट में चलते हैं इसके हमेशा, और कभी भी मैं चिल्लाता हूँ ना उसके ऊपर, जैसे कभी डांटता हूँ तो इन दोनों के पास आकर चले आता है। देखो इस तरह से भाग रहा है देखो ये, और मुझे देखो कबूतर दिख गए इसे वहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह से भाग रहा है। अब मुझे डर लग रहा है कि ये जीना ना गिर दे जो लगा हुआ है, स्टील लैडर लगा हुआ है स्टील का, टक्कर मार के। थोड़ा बहुत डर तो लगता है यार, वैसे तो समझदार है अपना माफिया, गिरेगा नहीं यार, आपने देखा साइड से निकल गया, ऐसा तो समझ है। वायरस का परचेस क्या है, कैश पर इसका है, और
काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है और एंटीवायरस से। तो ये मैंने 1 ईयर का परचेस किया है, और क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं माफिया की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वायरस की, और इसमें 16 GB रैम है मेरे पीसी में, लगा जब भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। तो यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। एंटीवायरस अपने पीसी में कोई ना कोई रखें, और इससे कि एंटीवायरस डल मैंने कर दिया है, मतलब इंस्टॉल कर दिया है, और पीसी एकदम नया जैसा हो गया है। सो गाइस आपको वीडियो पसंद, वीडियो जरूर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।